देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, ये जो इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इन्हें आप प्लीज़ नोट कर लेना और इनका रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देन द फाइंड द वैल्यू साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा। बेटा क्या है, जो हमारे पास गिवन दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब बेटा देखिए, साइन थीटा, ये कॉस थीटा को बेटा उधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या जाएगा, कॉस थीटा जीरो, प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा में जीरो जोड़ेंगे बेटा, कॉस थीटा ही आएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बेटा इसमें वन का मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ना, जब वन का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो कॉस थीटा आ जाएगा बेटा इसके साथ डिवाइड में, ये हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा आ जाएगा बेटा इसके साथ डिवाइड में, तो इक्वल में क्या बचेगा बेटा, वन। अब बेटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। बेटा देखिए, टेन थीटा इक्वल टू जो वन है, इसे हम क्या कह सकते हैं, टेन फोर्टी फाइव, क्या कह सकते हैं, टेन फोर्टी फाइव। अब बेटा कंपेयर करेंगे तो टेन से टेन हट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, फोर्टी फाइव। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब बेटा वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, नाउ वैल्यू किसकी बेटा फाइंड करनी है, साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा। देखिए बेटा, साइन की पावर फोर थीटा की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा, 45, प्लस कॉस की पावर फोर और 45। बेटा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन अपॉन रूट टू, और वन अपॉन रूट टू की पावर फोर, प्लस कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, वन अपॉन रूट टू इसकी पावर बेटा फोर। ठीक है बेटा, वन अपॉन रूट टू का बेटा मल्टीप्लाई फोर टाइम्स करेंगे, देखिए इधर देख लेना, वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई वन अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई वन अपॉन रूट टू। देखा, वन का मल्टीप्लाई वन, ये हो जाएगा वन, रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू से करेंगे तो ये टू। ठीक है, समझने के लिए मैं बेटा मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई दो का हो गया ना, अब इन दोनों का करते हैं, वन का मल्टीप्लाई वन और रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू से करेंगे तो टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन वन जा वन और टू टू जा फोर। तो कह सकते हैं बेटा, जब वन अपॉन रूट टू का मल्टीप्लाई फोर टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा बेटा, वन अपॉन फोर, क्या आएगा बेटा, वन अपॉन फोर। तो वन अपॉन फोर प्लस इसका भी करेंगे तो बेटा ये वन अपॉन फोर, फोर इसके में क्या लेते हैं बेटा एलसीएम, तो वन प्लस वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू अपॉन फोर, और टू से वन और टू से टू, इस प्रकार जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बेटा वन अपॉन टू। समझ में आ गया होगा बेटा, इसमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते ही जो वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी थी उसमें वहाँ पर बेटा थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर आता है वन अपॉन टू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, इसे बेटा नोट अवश्य कर लेना, ठीक है, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या, देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 विल बी। बेटा इसमें क्या है, इसमें फाइंड आउट करना है बेटा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन करना है, और किसका बेटा, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10 और पॉजिटिव इवन नंबर, इवन नंबर। देखिए बेटा, हमारे पास अभी टोटल नंबर कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन हमें टोटल नंबर से अभी कोई भी मतलब नहीं है बेटा, मतलब है तो हमें बेटा पॉजिटिव इवन नंबर से। अब बेटा इसमें से इवन नंबर कितने बेटा, इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन से बेटा, एक तो 2 है, एक 4 है ना, एक 6 है बेटा, एक 8 है, और एक है बेटा 10, 2 4 6 8 10, कह सकते हैं बेटा। अब जो हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है वो किसका निकालना है बेटा, इवन नंबर का। तो देखिए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक से ए और मीन से एम, ठीक है बेटा, अर्थमेटिक
मीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल इवन नंबर, टोटल इवन नंबर, ठीक है, ऊपर क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर। देखिए बेटा सम ऑफ इवन नंबर, अब इवन नंबर हमारे ये है ना, तो इनका सम करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और बेटा इवन नंबर कितने हमारे, टोटल इवन नंबर 1 2 3 4 5, ये जाएगा 5। ठीक है बेटा, अब इनको ऐड करते हैं, 10 और 8 18 18 और 6 24 24 और 4 28 28 और 2 बेटा 30, 30 upon 5 से बेटा 30 को कट कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा अर्थमेटिक मीन आएगा बेटा 6। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, इसमें प्रूव करना है 1 + 1 - tan θ / 1 - cot θ का स्क्वायर इक्वल टू sec²θ। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, 1 + 1 - tan θ / 1 - cot θ का होल स्क्वायर, और प्रूव में करना है बेटा sec²θ। प्रूव क्या करना है बेटा, sec²θ। देखिए बेटा 1 - tan θ इक्वल टू क्या होता है, sin θ / cos θ, cot θ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना बेटा, ठीक है, 1 - cot θ, cot θ क्या होता है बेटा, cos θ / sin θ का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए 1 + ये हो जाएगा cos θ - sin θ, इसे बेटा ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos θ - sin θ और अपॉन में बेटा cos θ, ठीक है, अपॉन में। अब नीचे वाले को बेटा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा sin θ - cos θ और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, sin θ। ठीक है बेटा, अब देखिए 1 + अब ये sin θ - cos θ है और ये बेटा cos θ - sin θ है ना, ये कट जाएगा, लेकिन कितने, माइनस के वन से, क्यों माइनस के वन से, यहां sin θ - cos θ है, यहां cos θ - sin θ है। ठीक है बेटा, वन से कटेगा लेकिन माइनस के वन से, ठीक है। अब बेटा साइन का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के वन से, तो ये हो जाएगा -sin θ, ठीक है बेटा, अपॉन यहां वन होगा, और cos θ का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो ये cos θ हो जाएगा, ठीक है बेटा, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 - sin θ / cos θ क्या होता है बेटा, tan θ, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए बेटा 1 + अब माइनस के tan θ है, माइनस tan θ का स्क्वायर करेंगे, तो ये प्लस के tan θ स्क्वायर हो जाएगा, tan²θ, ठीक है, क्योंकि माइनस के tan θ माइनस से माइनस बेटा कट जाएगा, ये हो जाएगा tan²θ, और 1 + tan²θ ये क्या होता है बेटा, sec²θ, और यही बेटा इसमें क्या करना था, प्रूव करना था, आइडेंटिटी में है ना, 1 + tan²θ, 1 + tan²θ क्या होता है, sec²θ, बेटा इसमें यही प्रूव करना था, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं था, 1 + 1 - tan θ / 1 - cot θ होल स्क्वायर था, tan θ को sin/cos में कन्वर्ट किया, और cot को किया था बेटा cos/sin में, ठीक है, इसे बेटा आगे सॉल्व किया, ये हो गया cos θ - sin θ / cos θ, ये हो गया sin θ - cos θ / sin θ, अब ये sin θ - cos θ था, ये cos θ - sin θ था, बेटा इससे ये कट गया माइनस के वन, ठीक है, 1 + तो sin θ का बेटा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो ये हो जाएगा माइनस के sin θ, और cos θ बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos θ, अब माइनस sin θ / cos θ ये हो जाएगा tan θ,
इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर इसका बेटा जब स्क्वायर करेंगे तो देखो ये वन है ना, वन ये आ गया यहाँ पर वन। अब माइनस के टेन थीटा का स्क्वायर का मतलब है माइनस के टेन थीटा मल्टीप्लाई माइनस के टेन थीटा, तो माइनस तो माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, और बेटा यही इसमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बेटा आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये मैं प्रीवियस ईयर के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वहां से बेटा मैं ये इन क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। ठीक है, आप इसे नोट अवश्य कर लेना और इनकी प्रैक्टिस अवश्य कर लेना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 14x + 7 = 0 आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन है बेटा और रूट्स हैं बेटा अल्फा एंड बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए बेटा इक्वेशन क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x + 7 = 0। ठीक है बेटा, अब इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले बेटा हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो वहां से बेटा ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए इक्वल टू क्या जाएगा 2, बी इज इक्वल टू बेटा माइनस के 14 और सी इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 7। ठीक है, यहां से ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले निकालेंगे जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनको निकाल लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए माइनस बी, बी का बेटा मान माइनस के 14 अपॉन ए, ए की वैल्यू बेटा 2। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा 14 अपॉन 2, ये आ गया बेटा 7। क्या आ गया बेटा 7, ये आया है 7, क्या आया है सम ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो सम ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा मूलों का योगफल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है मूलों का गुणनफल, ये होता है सी अपॉन ए, क्या होता है बेटा सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या बेटा 7, तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 2। अब यहाँ से बेटा जो हमारे पास इक्वेशन था, वहाँ से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए। अब फाइंड वैल्यू किसकी करनी थी बेटा, देखिए नाउ फाइंड जो वैल्यू हमें करनी है वो करनी है बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी करनी है बेटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें बेटा क्या कर सकते हैं कि 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा मैंने बेटा माइनस कर दिया, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कर सकते हैं, तो जो ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं वो यहाँ पे बेटा हम पुट कर देंगे। वैल्यू किसकी बेटा फाइंड की है अभी हमने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था बेटा हमारा 7, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की बेटा हमने वैल्यू फाइंड कर रखी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा की है बेटा 7/2, तो 7/2 बेटा देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर बेटा 49 माइनस बेटा ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो 49 में से बेटा जो 7 जाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा 42, क्या आ जाएगा बेटा 42 बेटा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए ये इक्वेशन दे रखी थी 2x² - 14x + 7 = 0, ए बी सी की वैल्यू बेटा मैंने निकाली, इसके बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले और वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो बेटा इसमें क्या किया था मैंने, 2 अल्फा बीटा ऐड किया था, 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया, और ये वाला जो पार्ट था
ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के टू अल्फा बीटा। हमारे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू थी और अल्फा बीटा की वैल्यू थी, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया और ये बेटा यहाँ से सॉल्व करने के बाद आंसर आया 42।